शॉर्ट वीडियो बनाओ एआई की मदद से और उसको यूट्यूब पे डाल के बहुत सारा पैसा कमाओ। जी हाँ गाइस, ये बहुत कमाल की ट्रिक है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाने में शर्म आती है, यानी कि आपको फेस कैम वीडियो बनाने में अगर आपको शर्म आती है, आप कैमरे के आगे बोल नहीं पाते हैं, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। आप दिन में जितनी चाहें उतनी वीडियो बना के और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। और गाइस इस तरह की वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यूट्यूब शॉर्ट का जो क्राइटेरिया है ना, 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होते हैं। तो गाइस आप इस तरह से ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि गाइस एआई से बनी हुई वीडियो है ना, ये बंदे देखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक रियलिस्टिक कार्टून देखने को मिलते हैं। और इसी तरह की गाइस एक वीडियो मैंने पहले और बना रखी है, जिसमें मैंने आपको एआई की मदद से लॉन्ग वीडियो भी बनाना सिखाया है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइस अगर आप शॉर्ट में फैक्ट वीडियो बनाते हो, या फिर आप गेमिंग वीडियो बनाते हो, या फिर चलो कोई भी आप वीडियो बनाते हो, आप न्यूज़ वीडियो बनाते हो, तो आप गाइस इसकी मदद ले सकते हैं, एआई टूल की मदद ले सकते हैं। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस गाइस आपको बस अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना होगा। आपको पहले से अपनी एक ऑडियो को तैयार करना है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है आपको, तो आपको 30 से 40 सेकंड की कॉपी पे स्क्रिप्ट को लिख लेना है कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या फैक्ट बताना है, आपको क्या स्टोरी बताना है। और आपको फोन का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करना है और उसमें आपको अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके पहले से रख लेना है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एआई की मदद से अपनी कार्टून वीडियो बनाना है। और गाइस आप यही नहीं, आप अपना भी फेस लगा सकते हैं। अगर आपको फेस कैम वीडियो बनाना है ना, और आप फेस कैम बनाते हैं तो आपको शर्म आती है, आप सही से बोल नहीं पाते कैमरे के आगे, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको अपना फोटो ऐड करना है, बाकी आपका एआई टूल है ना, वो आपके फेस को चला देगा इस तरह से, मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप मतलब बोल रहे हो। और ये थोड़ा सा कार्टून भी लगेगा, मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक कार्टून लगेगा, तो दिखने में काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो चलिएगा इस फिर आपको बताते हैं कि आपको इस तरह की शॉर्ट वीडियो को कैसे क्रिएट करना है। बट उससे पहले आपको बता दूं, चैनल प्रमोशन चल रहा है। अगर आप लोग चैनल प्रमोशन भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारी सी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, या फिर कोई और भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, लेक्सिका। अब ध्यान से स्पेलिंग देख लेना, इसी को आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब वेबसाइट ओपन हो जाए आपको यहाँ पर सर्च में आना है एंड कार्टून सर्च कर देना है। कार्टून सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कार्टून करेक्टर आ जाएंगे। आपको जो भी कार्टून पसंद है, मतलब जिस पर भी आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, उस करेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक करेक्टर देख लेता हूँ कोई, तो ये वाला ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको साइड में जो कॉर्नर पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, एंड जो पिक्चर है ना आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी। एंड जैसे ही फ़ोटो ये हमारी गैलरी में आ जाएगी, इसके बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको एक वेबसाइट और ओपन करनी पड़ेगी गूगल क्रोम ब्राउजर में, जिसका नाम है DIDAI, ठीक है। इतना आपको सर्च कर लेना है DIDAI। तो जब गाइस आप इसको सर्च करेंगे एंड उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट दिखेगी ना, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। एंड अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, मतलब इसको डेस्कटॉप मोड पर कर देना है। इसके बाद गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट फ्री AI वीडियो। इसी पर गाइस आपको जाना है, क्योंकि यहाँ से आप फ्री में वीडियो बना सकते हैं। एंड उसके बाद आपके इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि मतलब एक एडिटिंग पेज होगा। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, जो कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट AI, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सामने एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर गाइस आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऐड पिक्चर पे जाना है। ऐड पिक्चर पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। इस तरह से हम फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखना है। आपको जो भी स्टोरी बताना, मतलब जो भी वीडियो में बताना है, वो पहले से आपको एक रिकॉर्डिंग करके रखनी है, ठीक है। तो ये पिक्चर हमारी ऐड हो गई। एंड अभी आपको कॉर्नर पे आना है। कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको अपलोड के ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो भी आपने पहले से ऑडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है, अपलोड योर ऑन वॉइस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको उस ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। तो मैंने जो ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, म्यूज़िक के फोल्डर में जाता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस इस वाले फोल्डर में जाके मैं अपनी ऑडियो को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस वाले पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड जो हमारी ऑडियो है ना, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ऑडियो अपलोड होने के बाद अभी क्या करना है, सिंपली आपको जो ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा क्रिएट वीडियो, सिंपली इस पर क्लिक कर देना, मतलब जनरेट वीडियो पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। जनरेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंड आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एआई टूल है ना, आपकी वीडियो को तैयार कर देगा। तो फाइनली जो वीडियो है ना, वो तैयार हो चुकी है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है।
यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी, अदरवाइज़ हम यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन गाइस आपको करना क्या है, अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है जो हम काइनमास्टर से करेंगे, जो कि वीडियो को वायरल करने के काम आता है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, सिंपली डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देंगे एंड जो वीडियो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद गाइस सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है क्लोज़, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है। हाँ तो गाइस ये तो हमारी AI की मदद से शॉर्ट वीडियो क्रिएट हो गई, बट अभी इसमें एक और ट्रिक लगानी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी और एक एडिटिंग करनी होगी जिससे गाइस हमारी वीडियो क्लिकेबल होगी, यानी कि बंदे उस पर क्लिक करने को मजबूर होंगे, और जब गाइस बंदे आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे ना तो आपकी वीडियो वायरल होगी। तो चलिए फिर आगे की एडिटिंग आपको बताते हैं। एंड काइनमास्टर ओपन करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है एंड आपको 9:60 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद अभी क्या करना है गाइस, जो आपने वीडियो को डाउनलोड किया है सिंपली उसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे तो वीडियो कुछ इस तरह से आ जाएगी एंड आपको ऊपर और नीचे ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। इस बॉर्डर पर ही हमें काम करना है, तो हमें लेयर पर जाना है एंड जाना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको गाइस एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से आपको येलो कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है या फिर आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड को ले लेना। तो जैसे आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो ज़्यादातर बंदे हैं ना वो येलो कलर सेलेक्ट करते हैं। इसके साइज़ को आपको बड़ा कर देना है इस तरह से एंड आपको ऊपर साइड में मतलब यहाँ पर बॉर्डर को लगा देना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पर क्लिक करना है एंड बॉर्डर को पकड़ के लाना है नीचे साइड में, नीचे ले आना है मतलब नीचे यहाँ पर लगा देना है इस तरह से, ठीक है गाइस। मतलब इस तरह से आपको सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद अभी क्या करना है, इस बॉर्डर को फुल वीडियो पे ले आना है, इसकी लेंथ है ना वो फुल कर देनी है इस तरह से, आपको इसकी लेंथ को फुल कर देना है एंड आपको स्टार्टिंग में आना है। तो देखो गाइस इस तरह से हमारा करेक्टर चल भी रहा है एंड आपको लेयर पे जाना है और जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद गाइस कुछ ऐसा आपको टेक्स्ट लिखना है जिसको बंदे पढ़ के क्लिक कर दें, तो वेट फॉर एंड लिख लेते हैं एंड एक यहाँ से एक इमोजी फ़नी यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या है ना बंदा करेक्टर को बाद में देखेगा, पहले वो इस टाइटल को पढ़ेगा। तो यहाँ से फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं एंड इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ऊपर साइड में इसको रखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर लेंगे ताकि मतलब जो कलर ग्रेडिंग है ना वो अच्छा लगे, कलर अलग से दिखे। तो कलर पे जाएंगे एंड यहाँ से ले लेते हैं रेड कलर, तो रेड कलर सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर देते हैं। ओके करते ही गाइस यहाँ से जो रेड कलर हो जाएगा, अब आप देखो वेट फॉर एंड, तो बंदे इसी चीज़ को पढ़ते हैं। जब बंदे इसको पढ़ेंगे ना तो वो देखेंगे वेट फॉर एंड, मतलब इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है जो हमें एंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड डुप्लीकेट करने के नीचे लाएंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक और अपना लिख सकते हैं टाइटल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। तो सब्सक्राइब प्लीज़ भी लिख सकते हैं या प्लीज़ सब्सक्राइब लिख सकते हैं। इस तरह से गाइस क्या होगा ना कि बंदे को याद भी आ जाएगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो इसको हम नीचे रख लेते हैं एंड ऊपर आप देख लो वेट फॉर एंड, तो जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट हो चुकी है इस तरह से। एंड अभी चाहें तो आप यहाँ पर कुछ और भी फनी इफेक्ट वीडियो जो साउंड इफेक्ट होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं बीच बीच में, एंड अदरवाइज़ आपको और अच्छी एडिटिंग आती है नेक्स्ट लेवल वाली तो वो भी इसके साथ कर सकते हैं काइनमास्टर में। तो देखा गाइस कितना इजी था, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको AI टूल की मदद से इस तरह की वीडियो को क्रिएट करना है। और दिन में आप बहुत सारी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गाइस आपको एक टाइमिंग के हिसाब से चलना है, यानी कि आपको सुबह में 2 वीडियो डाल देनी है, शाम में 2 वीडियो डाल देनी है, इस तरह से आपको काम करना है। फिर देखना गाइस आपका चैनल कितनी जल्दी ग्रो होगा, यानी कि आपका जो शॉर्ट चैनल है वो बहुत जल्दी ग्रो होगा। लॉन्ग चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता जितनी जल्दी शॉर्ट चैनल ग्रो होता है, अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।